आज हम आए हैं क्रिमची टेंपल, जो कि उधमपुर में है, और उधमपुर जम्मू से करीबन 65 किलोमीटर हैं। यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं। रोड आपका ऑलमोस्ट लास्ट 7 किलोमीटर से पहले तक कंप्लीट क्लियर है। बड़ी गाड़ी आप लेकर नहीं आ सकते, छोटी गाड़ी आपकी सब पार्किंग तक पहुँच जाएगी। ये एक यूनेस्को की साइट है, जो कि पांडवों द्वारा बनाई गई है, और ये प्रॉपर स्टोन से बनी है, जो लाइमस्टोन होता है, जो पुराने ज़माने में जिसको कट करके बनाया जाता था, ये उस टाइप का स्टोन है। और बाकी टेंपल का ओवरव्यू मैं आपको सारा अंदर जाके दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए ये एक टेंपल है जहाँ आने के लिए आपको एंट्री फीस लगेगी, विच इज़ वेरी नॉमिनल, 25 रुपये आपकी एंट्री फीस लगेगी यहाँ पर। और बाकी चलिए अंदर जाके हम देखेंगे। चलिए फिर आपको मंदिर के मंदिर दिखा देते हैं। और मेरा परिवार, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरे पापा, और वो मेरी वाइफ दूर बैठी है, और हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर, मैं आपको सब दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ ये बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है, पांडवों द्वारा बनाया गया है, तो इसकी बहुत सारी कहावतें हैं। अब एग्जैक्टली यहाँ पर कोई है नहीं बताने वाला, तो मैं आपको ज़रूर बताता कि यहाँ क्या कहावतें हैं। बट ये सारे स्ट्रक्चर देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये सच में उस टाइम कैसे बनाया गया था। एक एक करके हम अलग अलग मंदिरों में चलते हैं। फिलहाल इस मंदिर की तरफ चलते हैं। बहुत ही मीन्स, अगर आपका इसका बिल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली। है ये स्टोन है, किस चीज़ से जोड़ा गया एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये काफ़ी पुराने टाइम का है। पिल्लर्स भी अगर आप देखेंगे तो पिल्लर्स भी काफ़ी पुराने हैं। इन पे जो आर्किटेक्चर जो बना रखा है, ये भी काफ़ी पुराना है। तो ऐसा ऐसा कुछ मंदिर है। फिलहाल हम इस फर्स्ट टेम्पल के अंदर जाते हैं। बहुत ही यूनिक एंड मेरे ट्रैवल व्लॉग का फर्स्ट ऐसा प्लेस है जहाँ मैंने विज़िट किया, जहाँ पे कोई नहीं आसपास, सिर्फ हम, हमारा परिवार और कुछ कबूतर पंछी वगैरह हैं यहाँ पर। माइट भी वीकडे की वजह से यहाँ पे कुछ है नहीं। अंदर भी जा सकते हैं इसके, बाद में जाएंगे, अकेले नहीं जाऊँगा मैं। ये एक स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना, और ऊपर को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ से ऊपर कुछ नहीं है, खाली आसमान है खुला। और देन आई डोंट नो इसको किस पर्पज से बनाया सेंटर वाला, बिकॉज इसके ऊपर कुछ नहीं है। स्टोन्स को अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी काफ़ी पुराने टाइम से स्टोन ये लग रखे हैं इस पर, और थोड़ा टाइम की वजह से कुछ टूट फूट से गए हैं, कुछ ख़राब हो गए, इन पर क्रैक्स काफ़ी सारे आ गए हैं। बट पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस टाइम आई डोंट नो कैसे बनाए गए हैं ये। है ये हार्ड स्टोन है बेसिकली, देव देवताओं के लिए कुछ है यहाँ पर ना। अंदर तो शायद अलाउड नहीं है, कुछ बांधा हुआ है, बट इस मंदिर का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। पूरे मंदिर का ना बिल स्ट्रक्चर है इसी तरीके से बनाया गया है कि बहुत ही एंटीक है ये। पुराने पुराने से यहाँ पर कुछ कुछ बनाया, आई डोंट नो, मैक्सिमम चीज़ें समझ नहीं आ रही है, बट किसी पर्पज से तो बनी है। अब इस वाले मंदिर के अंदर हम अभी गए नहीं हैं, इसकी एंट्री सामने से है, अभी हम सिर्फ इसमें गए हैं और इसके अंदर भी नहीं गए। वैसे तो इसके अंदर कोई मूर्तियाँ भी नहीं है, कहने के अनुसार ऑलमोस्ट जो चीज़ें खंडित है वो हटा दी गई है, क्योंकि हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार हम लोग खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते।
परम परिसर में कहीं ना कहीं रख सकते हैं। तो ये एक और मंदिर है, अगर आप इसको देखें बहुत ही खूबसूरत से है, किस तरीके से इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स उठा के यहाँ लाए गए हैं, क्योंकि इस मंदिर का पूरा अगर आप परिसर देखेंगे ना तो ये सारा स्टोन का ही है। इंडिया का यहाँ पे झंडा भी लगा हुआ है, तो ये सारा स्टोन है, सारा स्टोन का ही बेस बनाया गया नीचे, उसके आधे मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पे अंदर एक मूर्ति है भगवान की, चप्पल डाले तो मैं जाना नहीं चाहता। मैं आपको पूरा अंदर से दिखा देता हूँ मंदिर किस टाइप का है। बहुत पुराने टाइम के मंदिर है ना, यहाँ आगे भी मंदिर है, काफी सारे मंदिर हैं एक साथ ना। अभी हम एक में गए हैं, सेकंड में आपको अभी हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और दो मंदिर हमने कवर कर लिया, मैं नीचे को जाता हूँ। छोटा सा पार्क भी है यहाँ पर, आप अपने मीन्स अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको अपना खाने पीने का सामान लाना पड़ेगा साथ में, बिकॉज यहाँ कोई आसपास कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं है, तो सब कुछ आपको अपने साथ लाना पड़ेगा। और ये मेन रोड से करीबन 1-1.5 किलोमीटर कट के ऐसी जगह स्थित है जहाँ पे रोड थोड़ा ऑफ बीट है। हम अपनी चप्पलें खोल लेते हैं और चलते हैं मंदिर की ओर। देखिए ये एक इकलौता मंदिर है जिसके अंदर मूर्ति भी है। स्टोन बहुत गर्म है ये ना, तो धूप में अगर आप आएंगे तो जरा सा कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा धूप में ना आए। मैक्सिमम मंदिर का जो आउटर एरिया ना ये डैमेज हो चुका है, हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, नंबर्स लिखा है, दोनों नंबर्स का क्या रेफरेंस है, बहुत कुछ है। ये भी मंदिर फुल ओपन है, इसके ऊपर कोई आर्टिफिशियल वो लगाई हुई है शेड पे जैसे। क्या है पीछे बैठे वाला है ना, ये मूर्ति तो चल रख सी है ना, बड़े होगा इधर पीछे देखना वो दो चल माला खुल गया। इन पे किन भगवान का स्ट्रक्चर बना है बट कुछ थोड़ा क्लियर नहीं है। अभी समझ आ रहा है कि कोई भगवान है नहीं कहीं इधर। ये पुराने टाइम के देवी देवता जी का मंदिर है, पूरा ही स्टोन का एक स्तंभ है। दोनों किसी ने आपने एक इंग्लिश मूवी में हमने कहीं देखा था जिसमें जगह जगह ना जब भी टाइम चेंज होता है या जनरेशन चेंज होती है तो एक ना आयरन का पिलर निकलता है, उस टाइप का ही पिलर है, बट इट इज़ नॉट आयरन।
पूरा स्टोन है ये। ये सारे मंदिर ऊपर से ओपन थे, इनमें कुछ लगाया गया ऊपर से ना क्लोज करने के लिए शायद। कैसे सपोर्ट दिए इनको कॉर्नर से ना बाहर से बाहर को। मंदिर वहां पे भी नीचे भी ना आपने राउंड मारना इसका चक्कर लगाना। आप चक्कर लगाओ जा रहे हैं अभी इसमें जाने हैं। अभी हम हिंदू मान्यता के अनुसार जब मंदिर के अंदर आप जाते हैं उसके बाद एक राउंड लेते हैं, तो मंदिर का एक राउंड ले रहे हैं। राउंड में आपको दिखा देता हूँ उस मंदिर का। देखिए स्ट्रक्चर ना बहुत जगह से डिस्ट्रॉय हो रखा है, अभी ये काफ़ी पुराना हो गया है। आई डोंट नो इसकी मेंटेनेंस है कि नहीं, बट इसका जो कार्वेचर जो उस पर बनाया गया ना ये बहुत सुंदर है और एंशेंट है, तो उतनी अच्छी इसकी रेफरेंस भी है। हाँ काफ़ी पुराना है, इसमें रह सकते हैं। चलो अब दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं। वो पार भी एक मंदिर है उसमें भी चलेंगे अभी। दिस वन इज फोर टेम्पल। दिस कम्स अंडर यूनेस्को, सो ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अंडर आता है बिकॉज ये बहुत एंशियंट है। जैसे मैंने आपको बताया ये पांडवों के टाइम से है, तो ये बहुत पुराना मंदिर है और ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अंदर भी आता है। फोर्थ टेम्पल और इसके अंदर आई गेस बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है, थोड़ी सी खंडित है बट है। मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। द फैमिली इज ऑल्सो कमिंग, वो पीछे है ज़रा। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी बट इस वीडियो का रेफरेंस बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ था जो आई गेस खंडित हो गया है या फिर पिलर थे शायद टूट चुके हैं। जो ये है भोलेनाथ जी का मंदिर, बट आई गेस यहाँ पे कुछ चढ़ावा वगैरह अलाउड नहीं है या चढ़ाते नहीं है। बट ये मंदिर भी बहुत पुराने टाइम का मंदिर को, उसका अब कैसा है, सब सेंटर से खुले हुए हैं। आई डोंट नो शायद रोशनी के पर्पज़ से खुले बिकॉज पहले के टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बट अब तो है, बट इन्होंने क्लोज कर दी ऊपर से और शायद रात को कोई अलाउड भी नहीं है यहाँ पर, तो लाइट रखने का कोई रेफरेंस भी नहीं है। सारा मंदिर स्टोन से बना हुआ है। अभी हमें नहीं पता कि जम्मू में कितने लोगों को इस जगह के बारे में पता है, माइट भी बहुत सारे लोग जो जम्मू में रहते हैं उन्हीं को इस जगह के बारे में ना पता हो। तो हम तो आ ही गए यहाँ पर और सबको मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे आए ज़रूर, बिकॉज ऐसी लोकेशन जो कि वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर आती है और हमारे जम्मू में है और हम लोग नहीं आ रहे, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी जगह का। अगर हम लोग आना शुरू करेंगे तो माइट भी इसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। चलिए जब हम जा रहे हैं हमारे लास्ट टेंपल की तरफ, व्यू भी आप देखेंगे ऊपर का ना बहुत सुंदर है। इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी ओल्ड है और क्या है किसी को समझ आता है तो आप देखिए, मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ।
कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट होगा या स्टोन्स पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, जिसको पुरानी चीज़ों पे बहुत इंटरेस्ट है, वो आके कभी भी यहाँ विजिट कर सकता है और देख इसको स्टडी कर सकता है इस एरिया को ना, ये क्या है और ये कब बन। वैसे तो क्लियर है कि पांडवों ने बनाया गया है, आपको गूगल पे भी आ जाएगा इसके बारे में। और हम जा रहे हैं लास्ट मंदिर की ओर, और ऐसी साइट्स मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करी है। आई ऑलवेज यूज टू गो टू एडवेंचर कैंप्स और टू प्लेसेस समवेयर नियर अराउंड माउंटेन्स, बट नॉट टू हिस्टोरिक प्लेसेस। तो दिस वन इज़ माय फर्स्ट विजिट टू सम हिस्टोरिक प्लेस, एंड दिस इज़ मोर हिस्टोरिक देन आई एवर एक्सपेक्टेड। चलिए जी, अब हम चलते हैं लास्ट मंदिर की ओर, जिसकी शुरुआत होगी हमारी सिर से, और ये काफ़ी हाइट पर जाकर है। यहाँ आके आपको पैनोरामिक व्यू दिखेगा हर एक मंदिर का ना। ये अभी हमने वेस्ट विजिट किया था। नाउ दिस आर 2-3 टेंपल्स, दिस वन इज द 4th टेंपल, और ये सारा कवर्ड भी है, मींस कोई ऐसे नहीं आ सकता यहाँ पर। सारे स्ट्रक्चर्स काफ़ी ओल्ड हैं और सब में बिल्कुल सिंगल रॉक की पिलर्स लगे हैं। जैसे आप देखेंगे ये एक पिलर है, जिसमें आई गेस ये एक जॉइंट है, सेकंड जॉइंट, पूरा पिलर। यहाँ पे जो मूर्ति है इन्होंने एक ही चीज की है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उस पर कुछ क्रॉसिंग बनी है, शायद बाहर से उठा के अंदर रख दिया गया या भगवान यहाँ पे शायद थे, वो मूर्ति खंडित हो गई है, शायद उसको रिप्लेस करके ये मूर्ति रखी हुई है। बट हिंदुओं में हर एक स्ट्रक्चर जो देवताओं को रिजेंबल करता हो वो देवता ही है। पर ए और बी की क्रॉसिंग लगी हुई है, शायद स्ट्रक्चर्स में कुछ और भी लगा है। हाँ, पिलर का इंटीरियर सेम है। हम जा रहे हैं अपन बाहर की ओर। हाँ चलो मैं आपका फोटो खींचूँ, हम वापस जा रहे हैं। तुम चप्पल ऊपर ले आए हैं, नीचे छोड़ आया है। हम वापस जाते हुए हमने सारे स्ट्रक्चर्स विजिट कर लिए, यहाँ से अपनी चप्पल डाल लेता हूँ। हमने खींच ली फोटोज, अब हम जा रहे हैं वापस, मीन्स हम बैठेंगे, रिफ्रेशमेंट लेंगे, इंजॉय करेंगे एंड देन वापस जाएंगे। मेरे माता पिता ऊपर हैं और ये सीढ़ियाँ उतरने को, सीढ़ियाँ मम्मी आगे से भी हैं उतरने को, आराम से आ जाओ। जिसका नाम से उधमपुर, जो जम्मू से करीबन 65 किलोमीटर है दिस एरिया, एंड हम आए नगरोटा से तो हमारे को पड़ा करीबन 53 किलोमीटर, एंड बहुत खूबसूरत एरिया ये। और हमारी जनता पार्टी यहाँ बैठी है जो अकेले बोर हो रही होगी। मज़ा आ रहा है छाव में, मुझे छाव में मज़ा आ रहा है। अभी देखो ये अभी डायरेक्ट डाली मैंने, इतनी व्यू आ गई।